नमस्कार, स्वागत है आपका धोबी घाट पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, फिर लाया हूं खबर के पीछे की खबर। खबर यह है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सुप्रीमो मोहन भागवत जी ने कहा, कांग्रेस मुक्त भारत एक राजनीतिक नारा है, संघ राष्ट्र निर्माण कार्य में अपने विरोधियों को भी जोड़ना चाहता है। मोहन भागवत जी ने आगे कहा, बदलाव लाने के लिए सकारात्मक दृष्टि की आवश्यकता है, नकारात्मक सोच वाले विभाजन करना और तोड़ना ही जानते हैं। मोहन भागवत जी ने आगे ये भी कहा कि नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति राष्ट्र निर्माण कार्य के लिए बिल्कुल ही उपयोगी नहीं है। खबर के पीछे की खबर यह है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह लगातार कई वर्षों से कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते आ रहे हैं। मोहन भागवत जी का बयान यह उस समय आया है जब कर्नाटक में चुनाव घोषित हो चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है कि कर्नाटक को कांग्रेस मुक्त किया जाए। मोहन भागवत जी का यह बयान भारतीय जनता पार्टी के लिए तकलीफी साबित हो रहा है। यह खबर के पीछे की खबर, देखते रहिए धोबी घाट।